तो देख लो गाइस इस प्रोजेक्ट को कि ये प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे भाई ने एक प्रोपेलर लगा दी और यहाँ से आप लोगों को कनेक्शन भी बिल्कुल गाइस इजी कनेक्शन है। तो आप लोग देख लो यहाँ पे तो ऐसे प्रोजेक्ट गाइस बना है और गाइस ये प्रोजेक्ट काम भी करेगा। अभी आप लोग देखना, देखो गाइस ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है, मगर गाइस ये रियल है कि फेक, क्योंकि गाइस यहाँ पे सिर्फ एक कील और स्पीकर से एनर्जी बन रही है। बट गाइस ये प्रोजेक्ट इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, अपू ने ना आइए देखते हैं, मजा आएगा। वेलकम बैक गाइस, एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं ऐसा करता हूँ गाइस आप लोग बिल्कुल बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं एक फ्री एनर्जी जनरेटर जो कि गाइस एक स्पीकर की हेल्प से चलेगा, जो कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में तो देख ही लिया होगा कि वीडियो में कैसा प्रोजेक्ट काम कर रहा था। तो वैसा ही हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, मगर गाइस वो प्रोजेक्ट रियल था कि फेक, इसी को हम रिव्यू करेंगे और इसकी रियलिटी जानेंगे कि वास्तव में ये काम करता है कि नहीं। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कॉन्टेंट्स आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो हम बनाते हैं इस प्रोजेक्ट को और आप लोगों को चेक करके भी दिखाएंगे सब कुछ, गाइस आप लोगों को सामने ही करके दिखाएंगे। तो पहले मैं स्पीकर को डबल साइड टेप से चिपका रहा हूँ, क्योंकि डबल साइड टेप लगाकर और प्लाई बोर्ड के ऊपर चिपकाऊंगा। तो ऐसे ही हमको चारों कॉर्नर पे लगाना है, जैसे कि मैंने पहले वाले पे लगाया। तो यहाँ पे देखिए मैं दूसरे वाले पे भी लगा रहा हूँ, तो ऐसे ही चारों वाले पे लगा देता हूँ। तो मैंने चारों कॉर्नर में बिल्कुल अच्छे तरीके से टेप को लगा दिया है। तो अब टेप के ऊपर जो पेपर होता है उसको हटा लेते हैं और लकड़ी के ऊपर चिपका देते हैं। तो अब इस स्पीकर को चिपकाते हैं इस प्लाई बोर्ड के ऊपर, और हमको स्पीकर को ऐसे लगाना है ताकि यहाँ पर मैं एक मोटर को भी लगा सकूँ और उसके साथ प्रोपेलर भी लगाऊंगा। तो स्पीकर तो अच्छे तरीके से लग गया है। अब यहाँ पे हम एक लकड़ी ले लिए हैं जो कि कट किया हुई लकड़ी को, जिस पे मोटर लगाऊंगा। तो इसको भी डबल साइड टेप ही लगाऊंगा दोनों साइड। तो लकड़ी के दोनों सिरे पे मैं डबल साइड टेप लगा देता हूँ, जो कि देख सकते हैं आप लोग मैं पहले सिरे पे ऐसे लगा रहा हूँ, दोनों साइड पे ऐसे लगाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इस लकड़ी के टुकड़े में मैं एक सिरे पे डबल साइड टेप लगा दिया हूँ, दूसरे वाले पे भी लगाऊंगा। तो उससे पहले इस लकड़ी के टुकड़े को इस प्लाई बोर्ड के ऊपर तो चिपका लेते हैं, उसके बाद से लगाऊंगा तभी अच्छे तरीके से लग पाएगा। यहाँ पे ये तो लग गया है, अब इसके ऊपर से हमको अब डबल साइड टेप लगाना है, ताकि मोटर के डायरेक्शन में ही हमको डबल साइड टेप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगा दिया हूँ, अब इसको कट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लेड का यूज कर रहा हूँ, किसी चीज़ से भी जो कटने वाली चीज़ होगी उससे कट सकता है। तो यहाँ मैं ब्लेड का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ब्लेड ही अवेलेबल था, तो ब्लेड से कट कर दिया हूँ। और पहले तो इस मोटर को देख लीजिए आप लोग, ये मेरे पास एक डीसी मोटर है जो कि 3 वोल्ट से 5 वोल्ट तक चल जाता है। तो ये मोटर बिल्कुल सही है, और इस अब पेपर को हटाते हैं और इसके ऊपर से अब लगा देते हैं इस मोटर को। तो कुछ इस तरह से हमको मोटर को लगाना है, और इसके बाद इस पर एक प्रोपेलर भी लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लू कलर की प्रोपेलर ले लिए, तो इस प्रोपेलर को इस मोटर में मैं लगा दिया हूँ। तो ये प्रोपेलर भी बिल्कुल अच्छे तरीके से लग गई है। अब गाइस इसका कनेक्शन करना बाकी है, तो आप लोग कुछ इस प्रोजेक्ट को देख लीजिए कुछ ऐसा बन गया है। तो अब इसका कनेक्शन करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कनेक्शन कैसा करना है, जो कि गाइस कनेक्शन बिल्कुल ईजी है और बहुत ही नॉर्मल कनेक्शन है। तो मैंने यहाँ पे एक वायर लगाना स्टार्ट कर दिया, जो कि आप लोग देख सकते हैं मोटर के इस वाले सिरे पे एक मैं वायर कनेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग किसी पे भी कनेक्ट करेंगे तो ये मोटर तो वर्क करेगा ही, लेकिन बस इसका क्या होता है कि डायरेक्शन चेंज होता है, एक तरफ से क्लॉकवाइज एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है। तो ऐसे ही काम करता है मोटर। तो मैंने यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर लिया है, इस वायर को डायरेक्ट स्पीकर के कनेक्शन के साथ ऐड कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मोटर के दूसरे पॉइंट पे भी वायर को ऐड कर देता हूँ, ताकि अब स्पीकर का कनेक्शन सिर्फ बचा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने मोटर के दोनों जो पॉइंट है उस पर कनेक्शन कर दिया है। अब गाइस इसका कनेक्शन करते हैं स्पीकर के साथ। मैं यहाँ पे रेड वायर को लिया हूँ, कोई भी वायर चिपकाएंगे तो वही काम करेगा। तो अब इस वायर को मैं स्पीकर के इस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर रहा हूँ, जो कि राइट साइड में जो पॉइंट है उससे कनेक्ट कर रहा हूँ। दोनों पे सेम ही वर्क करेगा और सेम ही काम करेगा, सिर्फ मोटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, यही बस इसमें डिफरेंस होता है, नहीं तो एलईडी के साथ तो वो ग्लो ही नहीं करती। तो अब गाइस हमारा ये कनेक्शन हो गया है, अब सिर्फ एक और कनेक्शन करना बाकी है, जो कि मैं यहाँ पर एक कील ले लूँगा और कील के साथ इस वायर को ऐड करूंगा। तो यहाँ पे मैं एक कील ले लिया हूँ और इस वायर को अब इस वायर के ऊपर के कवर को हटाकर, जो कि आप लोग देख सकते हैं ऐसे इसके कवर को हटा लूँगा, जो कि बिल्कुल इजीली यहाँ से निकल जाएगा वायर का कवर। तो ऐसे ही वायर का कवर मैं निकालूंगा और इस कील के साथ इसको ऐड कर लेता हूँ, जो कि हमें इस वायर को इस कील के ऊपर ऐसे ही लपेट लेना है और ऐसे लपेट के और इस वायर को आपस में कनेक्ट कर देना है, मतलब इसको लपेट देना है वायर को, ताकि ये कील इसमें से निकले ना और अच्छे तरीके से पकड़ रहे। तो ये भी लगभग हो ही गया हमारा। तो अब गाइस इसको हमको चेक करना है। तो ये देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा प्रोजेक्ट बनके उस वीडियो के जैसा रेडी हो गया है। तो अब इसके ऊपर हमको लगाना है, तो अभी तो गलती से चिपक गया लेकिन अभी काम नहीं किया। पहले तो गाइस आप लोग इस प्रोजेक्ट को देख लीजिए कि सेम उस प्रोजेक्ट जैसा बन गया है कि नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा इसको नज़दीक से देख लीजिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
यहाँ से देख लीजिए आप लोग बिल्कुल इसके पीछे से, और यहाँ से नज़दीक कर कर दिया हूँ। अब आप लोग देख लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। और हमारा स्पीकर स्टार्टिंग में मैंने चेक किया था, जो कि आपने ध्यान दिया होगा, तो सब कुछ गाइस ओके है। अब इसको चेक करते हैं, तो अब गाइस इस प्रोजेक्ट को चेक करते हैं और देखते हैं कि ये काम करते हैं कि नहीं। मैं यहाँ पे कील को ले लिया हूँ, अब इस मैग्नेट के ऊपर लगाता हूँ, जो कि देख सकते हैं आप लोग, ये अभी तो वर्क नहीं किया, लेकिन फिर से इसको ट्राई करेंगे, अभी इसको कुछ देर तक ट्राई करेंगे, हो सके काम कर दे, लेकिन अभी तो काम नहीं किया है। जो कि आप लोग देख सकते हैं कनेक्शन बिल्कुल सेम उस वीडियो के जैसा, और पूरा हमारा प्रोजेक्ट ही उस वीडियो के जैसा बन गया है, जो कि आप लोगों के सामने बिल्कुल लाइव आप लोगों को देख ही सकते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ हमारा प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसको दो तीन बार और ट्राई करते हैं, ताकि इधर उधर करने से काम कर दे, मगर गाइस अभी तो ये काम ही नहीं कर रहा है, अब क्या करें। तो क्या करते हैं कि इस वाले पॉइंट पे लगाकर चेक करते हैं, थोड़ा सा इस वायर को ऊपर कर लेते हैं ताकि अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे भी तो गाइस ये नहीं वर्क कर रहा है, क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से कैमरे में अब दिखेगा, वहाँ से मेरे हैंड से रुक जा रहा था। तो अब देखिए गाइस यहाँ पे लगाने के बाद भी गाइस ये भी नहीं रोटेट हो रहा है, तो यहाँ से भी कोई एनर्जी, फ्री एनर्जी नहीं मिल रही है, जो कि गाइस ये प्रोजेक्ट हमको पता चल गया कि ये रियल है कि फेक, और आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा, क्योंकि इतना हमको ट्राई करने के बाद भी ये अभी तक कोई इस पे इससे रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब कि गाइस ये प्रोजेक्ट फेक है। और ऐसे क्या आप लोगों को लग रहा है कि ऐसे काम करेगा, मतलब गाइस क्या कुछ भी कैसे भी फ्री एनर्जी बन सकती है क्या? देख सकते हैं आप लोग, ऐसे फ्री एनर्जी नहीं बन सकती, तो ये गाइस प्रोजेक्ट बिल्कुल फेक है। और गाइस अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मेरे को पता चल सके कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। और अभी तक आपने वीडियो को तो लाइक कर ही दिएगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर फ्री एनर्जी से रिलेटेड जो भी फेक वीडियोस होती हैं उनका गाइस पर्दाफाश किया जाता है और उसकी रियलिटी दिखाई देती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय लोग।